चाचा ने मुझसे पूछा कि बाल कितने में कटाए, तो चाचा ने सुना तो बहुत हंसने लगे, बोले कि उतने में तो मैं एक साल तक बाल कटा लेता था। हाय दोस्तों, लोग आ चुके एक नए व्लॉग के साथ। और जैसे कि आज फ्राइडे है, फ्राइडे मतलब मेरा दिन मतलब कैसा, ऑफिस का पे लाइट नहीं रहती है, तो जिसकी वजह से मैंने सोचा कि ब्लॉग भी इधर से स्टार्ट करूं। अगर वहां से स्टार्ट करता तो ऑफिस से, देखा रहेगा आपने पिछले ब्लॉग में कि मैं ऑफिस से स्टार्ट करता हूं, बट ऑफिस में लाइट ना होने के कारण मैं इधर से स्टार्ट कर रहा हूं। और आज कुछ तो अलग आने वाला है ब्लॉग में, और इससे रिलेटेड आपको एक छोटा सा चीज़ मैं दिखाऊंगा, तो आप उससे समझ जाना कि ब्लॉग में क्या आने वाला है। अगर मैं बता दूंगा तो आपको मज़ा नहीं आएगा, मैं सोचता हूँ बता ही देता हूँ इतना क्या। आज के साथ मैं जा रहा हूँ, मेरे बाल बहुत बड़े बड़े हो गए, तो मैं बाल कटाने जा रहा हूँ वर्सोवा में जा रहा हूँ। अभी पूरा मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि थोड़ा आगे भी दिखाऊंगा, पूरा बता दूंगा तो मज़ा इधर ही खत्म हो जाएगा और व्लॉग देखने में आपको ही मज़ा नहीं आएगा। और एक कुछ फनी मोमेंट मैं दिखाना चाहता हूँ, आप देखोगे तो बहुत इंजॉय करोगे। जैसे कि मैं बाल कटाने वहाँ जाता हूँ और मेरे पप्पा इधर ही लेके आ जाते हैं, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हैं इधर कलर चालू है पप्पा का, और पूरा कलर ही कर दोगे क्या इनको, काला ही कर दो पूरा चाचू। और चाचू बहुत प्यारा कलर करते, बाल बनाते बहुत भारी, पूरा काला कर दो, पूरा काला। अभी सफेद करेंगे, क्या करेंगे अभी सफेद। ये देखो दिल्लू अंकल आ गए अभी सफेद आपको तो सफेद है ही ऑलरेडी, आप भी कलर करा लो। और ये देखो कौन सा खतरनाक काम करते चाचू, ब्लैक व्हाइट। कितना लेते पापा बाल कटने का, कितना लेते बताओगे? कितना? 100 रुपए में क्या बाल दाढ़ी कलर विलर सब? 50 रुपए। कितना आप 50 देते हो? हाँ मैं तो 50 देता है। अच्छा अच्छा, तभी आपका सफेद छोड़ देते रे पिंकेश चल व्लॉग स्टार्ट हो गया है, चल चलना है। ये देखो गाइस अभी भी लेट हो गया है, अभी तक सोया है, चलना है पिंकेश। क्या हो गया भाई? वर्सोवा चलना है 52 किलोमीटर, यहाँ से 52 किलोमीटर है भाई। तबीयत ठीक नहीं है मेरा। तबीयत ठीक नहीं है क्यों? ऐसे क्या हो रहा है? तबीयत ठीक नहीं लग रहा है। तो यार ब्लॉग में तेरे को सब लोग मिस करेंगे। चल ठीक है, कोई बात नहीं, तू आराम कर। और अभी मैं रेडी हो चुका हूँ, नाश्ता भी खाऊंगा और अभी निकलूंगा। और मालूम नहीं मुझे कैसे जाना है, ट्रेन से जाना है, बाइक से जाना है, कार से जाना है, या हेलीकॉप्टर तो नहीं है मेरे पास, तो हेलीकॉप्टर का तो ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, देखते क्या होता है। और अभी हम एक प्यारा दोस्त है हमारे घर में, वो दिखाएंगे। ये है, मुझे बहुत डर लगता है इससे, सो जाओ। ये हमारे घर का लाडला मेंबर है, तो इसका नाम भी बता देता हूँ, गुलू गुलू ही है। और गाइस नाश्ता आ चुका है होममेड, तो खाते हैं घर का। अभी मेरा नाश्ता हो गया है, अभी मैं निकलता हूँ फटाफट, टाइम वेस्ट नहीं करता, ऑलरेडी लेट होने वाला है, तो इसलिए टाइम से पहले पहुंचता हूँ। जैसे कि मैं निकल चुका हूँ अपने मंजिल की तरफ, तो अभी मैं कैब बुक करूंगा, और कैब बुक करने के बाद डायरेक्ट फिर मिलता हूँ, वो भी ऑफिस पे जाके कैब बुक करूंगा। और गाइस आप देख सकते हैं ऑफिस में लाइट नहीं है, और मैंने कैब बुक कर दिया, अभी कैब आएगी। करीबन मुझे 3 बजे तक पहुँचना है, तो मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा, 50 किलोमीटर बहुत दूर है, तो फटाफट मैं कैब बुक करता हूँ फिर निकलते हैं। फाइनली मेरी गाड़ी आ चुकी है, ऐसा लग रहा है मेरा पर्सनल कार है, पीला को मत देखो सिर्फ। और हम बैठते हैं अभी, कैसे हो भाई? चलो चलने का है मचाने। और गाइज मैप में 2 आवर्स दिखा रहा है, और परफेक्ट 3 बजे पहुंचना है मुझे, तो भाई क्या लगता है पहुंच जाएंगे हम? पहुंच जाएंगे ना। और भाई गाड़ी भी बहुत अच्छा चला रहे हैं, और मजा आ रहा है। गाइज आप देख सकते हैं थाने किसी से कम नहीं है भाई, आप देख सकते हो क्या स्काई स्क्रीपर है, वाओ। और गाइज हमें एक इंटरेस्टिंग बात पता चला, और बाय द वे भाई आपका नाम बताओ? सादिक शेख। और भाई दिखते हैं ऐसे, लेकिन ये छोटे मोटे इंसान नहीं है, बहुत बड़े इंसान है। और भाई आप खुद ही अपने मुँह से बताओ, आप मतलब क्या थे पहले, क्या करते थे पहले लॉकडाउन से पहले? लॉकडाउन के पहले मैं जॉब करता था एयरटेल बैंक ऑफिस में, कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट में था मैं। ओके पे मेरा डेजिग्नेशन था मैनेजर का। ओ भाई तो मैनेजर थे। सैलरी थी अच्छी, लेकिन
ग्रोथ नहीं हो रहा था, ग्रोथ नहीं हो रहा था। मेरे को लगता है लॉकडाउन की वजह से हुआ रहेगा ना। और भाई गाइस मेरे को एक इंटरेस्टिंग फैक्ट पता चला, ये भाई की गाड़ी खुद की है। और ऐसी गाड़ी कितनी भाई आपके पास? और तीन गाड़ी है। तीन गाड़ी है, अच्छा चौथा ले रहे हो इसलिए आप चार चार में अटक गए। इसको पकड़ के चार है। अच्छा इसको पकड़ के चार, सही है सही है भाई। मेरा ऐसे ही सब गाड़ी खरीद ले। अच्छा अच्छा है भाई, और ऐसे कुछ ना कुछ करना चाहिए। हाँ, और कुछ ना कुछ करना चाहिए। और भाई अभी भी हार्डवर्क करते तो मेरे लिए दिल से, और भी आप आगे बढ़ो, मेरी दुआ है। आप अभी मैं पुणे से आया हूँ, इसे भी पुणे से आए। और भाई, और भाई का भी आज के साथ जुम्मा था तो भाई का भी नमाज नहीं हो पाया ना भाई? नहीं, नमाज में छूट गया, छूट गया ना। लेकिन मुझे अरे भाई थैंक यू सो मच। और आप देख सकते हो भाई, मैं जिनसे बात कर रहा हूँ हमारे फौजी भाई है, मोनू भाई है, जो बहुत मेहनत करते हैं, जिनके वजह से आज हम इधर सांसें ले पा रहे हैं। और इनके लिए दिल से जय हिंद भारत माता की। भाई भी जय बोल रहे हैं, क्या बोलते हैं। और मजा आ रहा है भाई, बोला अपने भाई को भी व्लॉग में ले लूं, फौजी भाई को। हाँ भाई, और भाई आप आना, मुंबई आना। मुंबई में आऊंगा पक्का, जरूर आऊंगा। लोग में लोग बनाएंगे अपन। हाँ साथ में फुल एंजॉय। साथ में खाना वाना हो गया? खाना पीना हो गया, बस जा रहा हूँ अभी, थोड़ा काम से जा रहा हूँ मैं। अच्छा, और अभी कौन सा अपने व्लॉग कब अपलोड करोगे? व्लॉग आएगा भाई, आएगा। अच्छा अभी व्लॉग बन रहा है और आप बोल रहे अपलोड कर दो। सही है भाई। कल कर दूंगा व्लॉग भाई, पक्का डेफिनेटली अपलोड। ठीक है, देखूंगा मैं। ओके भाई, देखना भाई, थैंक यू सो मच यार। चलो हाँ भाई, जय हिंद भाई, जय हिंद। और गाइस हम इसलिए इधर रुके हैं कि ये रीजन, ये आप देख सकते हो सामने ही, और ट्रेन के नीचे से हम जा रहे हैं, और ब्रिज है, और ब्रिज आप देख सकते हो। रुकने का रीज़न ये है, खंबा आ गया बीच में, आपने देखा रहेगा। वाओ, अरे क्या लग रहा है, पटरी की, इसके ऊपर पटरी है ना। वाओ, वन लाइफ बेबे। सही, तो मुंबई की ट्रैफिक अभी भी जिंदा है। और फाइनली अपना सफ़र कंप्लीट करके हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे। आप देख सकते हो सामने ही है। चलो भाई, थैंक यू सो मच। और भाई इतना जिद कर रहे थे, भाई पैसा मत दो। लेकिन यार भाई देखो, आपको भी मेहनत है तो आपको देना ही पड़ेगा ना। तो भाई को मैंने पेमेंट दे दिया है, और अभी जाता हूँ मैं सैलून में, तो मज़ा करते हैं। पूरा बिल है इतना बड़ा, तो अभी हम चलते हैं। और मजा आ गया सैलून में, वाह क्या लाइफ है। और ये पुराने जमाने का मस्त बाल कटा के मजा आ गया। अरे यार, ये तो मेरे को ही लग गया। वाह वन लाइफ, अंदर की लाइफ और बाहर की लाइफ, दोनों में बहुत फर्क है। और फाइनली गाइस, जिसका इंतजार था वो आ गया, हमें कभी से वेट करा था, हमारी प्यारी कैब। अरे यार इधर ही खड़े हो गए थे क्या आप?
इसको खोलो, लॉक खोलो। तो अभी हम चलते हैं बैक टू द होम और ऑफिस, ऑफिस में भी जाएंगे। मेरे को लगता है लाइट भी आ चुका रहेगा। चलो ओटीपी देना बहुत कंपलसरी है, तो ओटीपी देता हूँ। ये देखो यही ओटीपी है। आप उधर खड़े हो गए थे क्या? हाँ, मैं आ गया था। तो वही इसमें लोकेशन हिल भी नहीं रहा था, अभी मेरे को पता चला। ये देखो ये ओटीपी है आपका। हाँ नहीं 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 5088 5088 वो आपके उसका गाड़ी का वो है ना, गाड़ी का नंबर है। ओटीपी की जगह गाड़ी का नंबर डाल रहे भाई। हंस भी रहे, देखो गलत बात है। चलो चलते हैं। और आप देख सकते हो मेरे पीछे ही सैलून है, इधर ही बाल कटाया और अभी, मगर मजा आ गया। आप देख सकते हैं, बाय बाय सैलून। तो अच्छा लगे चाहे नहीं लगे, मुझे अच्छा लगता है ट्रैफिक मुंबई का। घंटा ट्रैवलिंग का टाइम होता है, बट ट्रैफिक को ऐड करके 3 घंटा हो जाता है, तो पूरा दिन ही चला जाता है इसमें। आप देख सकते हो गाइस, मैं अभी अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गया हूं और मुझे लगी थी भूख, तो आप देख सकते हो मेरे पीछे अंडा, अंडा और अरे भाई बोलने से पहले आ गया, क्या बात है। भाई को मालूम है मैं क्या खाता हूँ, तो खाते है फिर मिलते। ऑफिस पे आ चुका हूँ। और सचिन पिंकेस किधर है? पिंकेस गया है बाहर भाई। बाहर गया है, अच्छा। और बता। बढ़िया भाई, किधर गया था आज? मैं गया था, मेरे लुक से नहीं पता चल रहा है तेरे को भाई? ऐसा लग तो रहा है बाल कटा है। सही पकड़े। और फाइनली गाइस बहुत मजा आ गया, तो अभी मैं ब्लॉग को एंड करता हूँ और एडिटिंग चालू करता हूँ, क्योंकि आप लोगों को तो वीडियो भी तो देना है। तो इसी मजे मस्ती के साथ हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।